मसूरी एक ऐसा शहर जो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मसूरी टूर की फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। क्या है मसूरी घूमने का सही, आसान और सस्ता तरीका, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आप हमारी वीडियोस कैसे शूट होती हैं, उनके बिहाइंड द सीन की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको MS Vlogger 2.0 चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं मसूरी। तो अब बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो मसूरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून में। देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। यहाँ से आप बाई टैक्सी मसूरी तक पहुंच सकते हैं। 1500 से 2000 आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून में ही है। देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी के बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। यहाँ से आप बाय बस भी मसूरी तक जा सकते हैं। बस में किराया लिया जाता है 70 से 80 रुपए। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो 1200 से 1500 रुपए वन वे पे करने के बाद आप मसूरी तक पहुँच सकते हैं। अगर आप शेयर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 300 से 400 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से एसी सीटर बस में 699 से 799 रुपए का टिकट बनेगा। एसी स्लीपर में 1099 से 1199 रुपए पे करने के बाद आप मसूरी आ सकते हैं। साथ ही ऑर्डिनरी बस में मात्र 360 रुपए ही पे करना पड़ेगा और आप मसूरी पहुंच जाएंगे। ऑर्डिनरी बस के टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 9:30 बजे कश्मीरी गेट से बस चलती है जो मसूरी आपको ड्रॉप करेगी। इन सब के अलावा आप देहरादून तक देश के अलग अलग शहरों से बाय बस भी आ सकते हैं। देहरादून से आप मसूरी तक बाय टैक्सी बाय बस आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी कार बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आना चाहते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। आप मसूरी घूमने आ सकते हैं। लेकिन मसूरी में एंट्री करने से पहले आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो 10 रुपए एज ए टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप कार लेकर आते हैं तो 59 रुपए एज ए टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे मसूरी के लिए जा पाएंगे। ये सब बातें हुई मसूरी पहुंचने की। अब बात करते हैं कि मसूरी पहुंचने के बाद कहाँ स्टे करना चाहिए। मसूरी में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट लोकेशन रहेगी या तो आप माल रोड पर होटल लें या फिर स्प्रिंग रोड पर होटल लें। इसके अलावा कुछ होटल कैमल बैक रोड पर भी मौजूद है। तो इन तीन रोड पर अगर आप होटल का चुनाव करते हैं तो आपको मसूरी को घूमने में काफी सुविधा हो जाएगी। होटल के रेंट की बात करें तो 500 रुपए से होटल का रेंट स्टार्ट हो जाता है, जो 15,000 तक जा सकता है, डिपेंड करता है सीजन पर। मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर वीकेंड पर हर मंथ में होटल के चार्जेस में चेंजेस होते रहते हैं। वीकेंड पर जो होटल 500 रुपए का दिया जाता है वो वीकेंड पर 1500 रुपए तक चला जाता है। यहां तक कि कुछ बड़े फेस्टिवल पर वही होटल 2000-2500 तक पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है सीजन पर और डिपेंड करता है कितनी स्ट्रेंथ में टूरिस्ट मसूरी में मौजूद है। इसके अलावा मसूरी में एक धर्मशाला भी है जो गुरुद्वारा द्वारा संचालित है, जो मसूरी के गांधी चौक पर, मसूरी के मेन चौक पर ही मौजूद है। यहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो पर पर्सन 100 रुपीज लिया जाता है। इसके अलावा 100 से 150 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद आप कुछ अलग बिस्तर वगैरह भी ले सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ रूम भी अवेलेबल है। अगर आप गुरुद्वारे में रूम लेना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपए पे करना होता है और आप रूम ले सकते हैं। बट मोस्टली ये सभी जगह फुल रहती हैं, तो ऐसे में बेस्ट होता है कि आप होटल का ही चुनाव करें, वही ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप सस्ता चाहते हैं तो गुरुद्वारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप अपनी कार या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं तो वहाँ पार्किंग का कोई इश्यू नहीं है। मसूरी में पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जो 100 से 150 रुपए तक हो सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो ऐसे में आप ऐसे होटल का चुनाव करें जहाँ पार्किंग अवेलेबल हो। मसूरी में दोनों ही तरह के होटल्स हैं, जिनमें पार्किंग अवेलेबल है ऐसे भी, और जिनमें पार्किंग अवेलेबल नहीं है वैसे भी होटल अब मौजूद है। माल रोड पर मौजूद सभी होटल्स और कैमल बैक रोड पर मौजूद सभी होटल्स में मोस्टली कार पार्किंग अवेलेबल नहीं है। वहीं स्प्रिंग रोड
पर मौजूद होटल्स में मोस्टली होटल्स में कार पार्किंग अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कि मसूरी आने के बाद कहां कहां घूमने जाएं। मसूरी में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी लेकर आते हैं या बाइक से आते हैं तो आप मसूरी आते वक्त शिव मंदिर, जो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां जा सकते हैं। इस मंदिर से मसूरी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर रहती है। ये देहरादून और मसूरी आने वाले रोड पर ही मौजूद है। आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर जा सकते हैं। इसके बाद रास्ते में एक और स्पॉट पड़ता है जिसे मसूरी झील कहा जाता है। मसूरी झील से मेन मसूरी के बीच की दूरी करीब 6.5 किलोमीटर है। आप इसे भी कवर कर सकते हैं, बट अगर आप बसेस से या शेयर टैक्सी से आते हैं तो आप इन दोनों स्पॉट को कवर नहीं कर पाएंगे। ये आप तभी कवर कर सकते हैं जब आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं। तो मसूरी झील एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर कार पार्किंग शुल्क देना पड़ता है करीब 50 रुपए। उसके बाद 12 रुपए का टिकट लेने के बाद आप मसूरी झील देखने जा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे पैदल ट्रैक करना पड़ता है और आप मसूरी झील तक पहुंच जाएंगे। मसूरी झील में भी बहुत सारे एडवेंचर आप कर सकते हैं। आप वहाँ बोटिंग कर सकते हैं जिसका चार्जेस 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक रहता है, जिसमें 15 से 20 मिनट आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मसूरी झील में ही एक भूत बंगला मौजूद है जिसका टिकट है 50 रुपए। आप वहाँ भी जा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर 7D सिनेमा हॉल भी है जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इन सब के अलावा वहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ भी अपना ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। मसूरी झील में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे जिप लाइन। मसूरी की जिप लाइन को एशिया की लार्जेस्ट जिप लाइन में गिना जाता है। यहाँ 1.5 किलोमीटर की जिप लाइन कराई जाती है जिसका 1% का चार्ज 300 रुपए रखा गया है। इसके अलावा बर्मा ब्रिज और दूसरी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी आप मसूरी झील में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गन हिल, जो मसूरी माल रोड पर ही स्थित है। गन हिल और मसूरी के बीच की दूरी करीब 1.4 किलोमीटर है, जो एक पैदल ट्रैक है। रास्ता माल रोड से ही जाता है। आप चाहें तो इस दूरी को रोपवे के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। रोपवे का चार्ज रहता है 125 रुपए राउंड ट्रिप का। गन हिल एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप मसूरी के और देहरादून के बेहद ही खूबसूरत व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ बर्फ के बेहद खूबसूरत पहाड़ भी आपको गन हिल से देखने के लिए मिलेंगे। गन हिल के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप डे टाइम में यानी सनलाइट के समय ही गन हिल को घूमने जाएं। नाइट में गन हिल जाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक और पॉइंट है जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट और मसूरी के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आए हैं तो आप खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं, बट अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो शेयर टैक्सी के थ्रू भी आप जॉर्ज एवरेस्ट तक जा सकते हैं। वहां पर पार्किंग फ्री होती है, लेकिन पार्किंग से जॉर्ज एवरेस्ट पीक तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ होता है। रास्ते में आपको बेहद ही खूबसूरत व्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे। और जॉर्ज एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां आप नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल कैंप लेकर आए हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट जाने के बाद आप वहां कैंपिंग भी कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट आने के बाद। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप मसूरी आते हो तो जॉर्ज एवरेस्ट घूमने जरूर है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। बेहद ही खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे आपको मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट आने के बाद। साथ ही साथ जॉर्ज एवरेस्ट जाते वक्त एक दूसरा रास्ता क्लाउड एंड तक जाता है, आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। इवनिंग में आप माल रोड को एंजॉय कर सकते हैं। माल रोड एक ऐसा रोड है जो मेरे एक एक्सपीरियंस के हिसाब से उत्तराखंड या हिमाचल के सभी माल रोड में से सबसे ज्यादा बड़ा है। बहुत सारी शॉपिंग आप वहां कर सकते हैं, बहुत सारे खाने पीने के होटल रेस्टोरेंट सब वहां मौजूद हैं। स्ट्रीट फूड को वहां एंजॉय कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत है मसूरी का माल रोड। नाइट में आप माल रोड को कवर कर सकते हैं। डे वन में आप इन सभी स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप कैमल बैक रोड पर घूमने जा सकते हैं। मॉर्निंग में कैमल बैक रोड पर घूमने जाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां से आपको बेहद खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आप कैंप्टी फॉल जा सकते हैं। कैंप्टी फॉल्स और मसूरी के बीच की दूरी करीब 18 किलोमीटर है। इस दूरी को आप अपने पर्सनल व्हीकल से तय कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ मौजूद बस स्टैंड से बस इससे जा सकते हैं, जिसमें 35 रुपए टिकट लिया जाता है एक पैसेंजर का। शेयर टैक्सी में 100 से 150 रुपए पे करना पड़ता है। चाहे तो आप फुल टूर पैकेज कराने के बाद कैंप्टी फॉल तक जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 1200, 1500 या 2000 तक होते हैं, जिसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स को वो कवर करते हैं, बट मेरे हिसाब से वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कैंप्टी फॉल पहुंचने के बाद जो मेन वाटरफॉल है वो मेन रोड से थोड़ा नीचाई पर है। वहां तक जाने के लिए दो ऑप्शन है, चाहे तो आप सीढ़ी से चले जाइए या फिर आप रोप वे से चले जाइए। रोप वे का टिकट बनता है 150 रुपए का, जो राउंड ट्रिप में रहता है, बट आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको सीढ़ियां नहीं उतरनी पड़ेंगी। कैंप्टी फॉल मसूरी का एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है। गर्मियों में तो यहाँ बहुत ज्यादा सैलानी आते हैं, बहुत ज्यादा रश रहता है, बट सर्दियों में भी काफी ज्यादा टूरिस्ट अब कैंप्टी फॉल में एंजॉय करने आते हैं। कैंप्टी फॉल एक ऐसा स्पॉट है, वहां पर रेस्टोरेंट से लेकर स्टे करने के लिए होटल
होटल्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नाइट स्टे भी कैम्प्टी फॉल आकर कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कैम्प्टी फॉल में स्टे करने के लिए। इसके अलावा आप कंपनी बाग घूमने जा सकते हैं। कैम्प्टी फॉल रोड पर जाते वक्त ही एक रास्ता कंपनी बाग की ओर जाता है, आप चाहें तो वहां भी जा सकते हैं। कंपनी बाग और मसूरी के बीच की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। अगर आप सिर्फ कंपनी बाग जाना चाहते हैं और आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप चाहें तो 3-3.5 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं। बेहद खूबसूरत व्यूज आप एंजॉय करेंगे और स्टीप चढ़ाई नहीं है, आसानी से आप तय कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ मौजूद लोकल रिक्शा से भी जा सकते हैं जो 200 रुपये चार्ज करते हैं आने जाने का। कंपनी बाग आने के बाद वहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा आपको, 18 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है। कंपनी बाग में आप बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले अवेलेबल हैं, वहाँ पर भूत बंगला भी अवेलेबल है बच्चों के लिए। बेहद इंटरेस्टिंग जगह है कंपनी बाग, बहुत सारे पेड़ पौधे, आपको सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी वहाँ रेस्टोरेंट अवेलेबल है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इवनिंग में जाते हैं 3-4 या 5 बजे तो बहुत अच्छी जगह है कंपनी बाग, आप जरूर जाएं। तो ये सारे स्पॉट्स होते हैं मसूरी में। इसके अलावा भी कुछ दूसरे स्पॉट्स हैं बट जो मस्ट विजिटिंग प्लेस हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, आप इन सभी जगहों पर जरूर जाएं। फूड की बात करते हैं तो मसूरी में देहरादून रोड, माल रोड, स्प्रिंग रोड, इन तीनों ही रोड पर आपको वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन सभी तरह का बेहद ही स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ मसूरी में स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। माल रोड पर शॉपिंग के लिए माल रोड बेस्ट है और वहाँ पर एक तिब्बतन मार्केट लगाया जाता है हमेशा, उसमें आप वूलन कपड़ों की भी खरीदारी कर सकते हैं। बात करते हैं कि मसूरी के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। मसूरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पूरे साल भीड़ लगी रहती है। स्नो के लिए कोई फिक्स टाइम मसूरी में नहीं होता है, दिसंबर जनवरी के मंथ में ही मोस्टली स्नो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल मसूरी में नहीं होता है, इसलिए पूरे साल ही यहाँ मौसम सुहावना बना रहता है, टूरिस्ट पूरे साल ही यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में, साथ ही साथ मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा रश रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जो टूर कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, आपको बजट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट इन सब के अलावा आप दूसरे मंथ में आते हैं तो काफ़ी कम खर्चे में आप मसूरी को एंजॉय कर सकते हैं। मसूरी में आपको सभी तरह की सुविधाएं बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम, किसी भी तरह की परेशानी आपको मसूरी आने के बाद फेस नहीं करनी पड़ेगी। बात बजट की करते हैं, अगर आप बस, ट्रेन और शेयर टैक्सी के थ्रू इस ट्रिप को करते हैं तो 4-5 हज़ार में आसानी से मसूरी के ट्रिप को एंजॉय कर लेंगे। अगर आप पर्सनल कार से आते हैं तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेसिकली जो खर्चा होता है मसूरी आने के बाद वो टोटली आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रिप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। बट जैसे तरीका मैंने बताया है, आप शेयर टैक्सी को यूज़ कर सकते हैं, आप बसेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर आए हैं तो उसी कार से आप सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी आपका बजट 5,000-6,000 में आसानी से हो जाएगा। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में शेयरिंग करके आप मसूरी को एंजॉय कर पाएंगे, 3,000-4,000 में आसानी से पूरे मसूरी को एंजॉय कर सकते हैं। मसूरी आने के बाद 2 नाइट का स्टे काफी होता है, 2 रात रुकिए और 2 दिन रहिए, पूरे मसूरी को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी मसूरी टूर की। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो ठोक दीजिए अब, सीखिए अभी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसी इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।